ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय, 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 ॐ नमो शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पुण्य पर्व पर भक्तजनों, देवी और बंधु, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, असंख्य बार बधाई, शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज का ये महामांगलिक दिवस सबके लिए शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो। संसार का सबसे बड़ा आदमी उन्हें भक्तजनों परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो फिर एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकते। हाँ, उनके नाम अनेक हो सकते हैं, उनके रूप अनेक हो सकते हैं, पर वह एक। परमात्मा की कृपा स्वरूप को भगवान राम कहा जाता है, प्रेम स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है, उनके वैराग्य स्वरूप को भगवान शिव कहा जाता है, उनके वात्सल्य स्वरूप को मातेश्वरी माँ जगदम्बे कहा जाता है, उनके सृष्टि करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा कहा जाता है, पालन करने वाले स्वरूप को भगवान विष्णु कहा जाता है, पर वह एक। कभी न भूलिएगा इस बात को, उनके रूप अनेक हो सकते हैं, उनके नाम अनेक हो सकते हैं, मालिक है, मालिकों का मालिक है, जो मर्जी बने, जो मर्जी अपने आप को कहलाए। कभी बुद्धि हमारी भ्रमित नहीं होनी चाहिए कि भगवान अनेक हैं, वह एक है। उनके नाम एवं रूप अनेक हो सकते हैं। आचार्यजनों, रात्रि को अंधकार का प्रतीक माना जाता है, अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। आज की रात्रि ऐसी नहीं है, साल भर में चार रात्रियां ऐसी आती हैं जिनको मांगलिक रात्रि माना जाता है, कल्याणकारी रात्रि माना जाता है। मान्यता है आज रात्रि जो जप ध्यान स्वाध्याय पूजा पाठ
किया जाता है उसका फल अनंत गुना मिलता है। जिन्हें चाहिए, जिन्हें नहीं चाहिए फल, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। निष्काम भाव से भजन पाठ करने वाले को तो परमात्मा अपने हिसाब से देता है, फल चाहने वाले को फल चाहने वाले के अनुसार देता है। हम सबके लिए बेहतर तो यही है कि हम ना चाहने वाले बने। अनंत गुना फल मिलता है आज रात्रि जो भजन पाठ करता है। तीन रात्रियां और हैं, आज की रात्रि को अहो रात्रि कहा जाता है। कहते हैं साधुक्षणों, एकता सृष्टा ब्रह्मा जी के बीच और पालन करता भगवान विष्णु के बीच विवाद का विषय की बड़ा कौन है। बड़ी जटिल समस्या, किसको बड़ा सिद्ध किया जाए। कहते हैं एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका एक छोर आकाश को छूता हुआ दिखाई देता था और दूसरा छोर पाताल में। भगवान विष्णु उस छोर की था देखने के लिए वराह स्वरूप धारण करके तो चले जाते हैं पाताल में। ब्रह्मा जी उड़ान भरते हैं और चले जाते हैं आकाश की ओर। कई हजार वर्ष बीत गए, कथा इस प्रकार की है, लेकिन वो छोर न ढूंढ पाए। ओह, इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग जिसका ना इधर का छोर ऊपर का छोर पता है, ना इधर का छोर पता है। विस्मयकारी शब्द अहो इस रात्रि का नाम पड़ गया, अहोरात्रि। आज के दिन ही वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। हम सबके लिए साक्षी भजन पाठ का दिन, जो उपवास रखना चाहे रखे, लेकिन मैं तो छोटी बुद्धि का व्यक्ति उपवास को यही मानता हूं। परमेश्वर के समीप बैठना उपवास वास करना। आज रात्रि क्या रात्रि है, भोगों के पास नहीं भटकने की रात्रि, परमेश्वर के पास बैठने की रात्रि। मंदिर में बैठी, अपने घर में बैठी, वह तो हर जगह विराजमान है। जैसे आप चाहें, जहां आप चाहें, पर परमेश्वर के पास बैठने की रात्रि। आज श्री रामायण जी का पाठ भी यहां आरंभ होता है। इस बात के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए देखें साधक जनों, रामायण जी में और भगवान शिव में आपस में क्या मेल जोल है। आज जिस रामायण जी का आपने पाठ किया है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, स्वामी जी ने नाम रखा है रामायण सार। वाल्मीकि रामायण से जो उन्हें उचित भाग लगे, वे उन्होंने इस रामायण सार में सम्मिलित किए हुए। सारी रामायण नहीं है ये, कुछ भाग उन्होंने आवश्यक नहीं समझे तो वे छोड़ दिए। तुलसी जी ने जो रचना रची उसे वे रामायण नहीं कहते।
रामचरितमानस कहते हैं, आप उनकी कृतियां देख के देखो तो आपको पता लगेगा उन्होंने रामायण शब्द नहीं प्रयोग किया हुआ, लिखा है श्री रामचरित मानस। मान्यता इस प्रकार की है राम कथा के प्रथम रचयिता भगवान शिव, प्रथम श्रोता मां पार्वती, रचनाकार कौन हुए राम कथा के? भगवान शिव। बहुत देर तक रचना रच के तो इसको अपने मन में संभाल के रखा, तो तुलसीदास जी ने इसका नाम रखा रामचरितमानस। राम जी का वह चरित्र जो भगवान शिव ने अपने मानस में दबा के रखा अनेक वर्षों तक, उसका नाम हुआ रामचरितमानस। तुलसी उसी रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। राम नाम के महान उपासक भगवान शिव, महानतम उपासक, इतनी प्रीति राम नाम से, अक्षर रकार, कोई रावण कहने जा रहा है या रात्रि, इन्होंने पूरा शब्द होने ही नहीं दिया, इनको रकार अक्षर बोलते ही राम सुनाई देता है। ऐसे कान राम नाम की उपासना के बाद इनके हो गए हुए हैं। कहते हैं साधकजनों, समुद्र मंथन हुआ, वेद रूपी समुद्र का मंथन हुआ, तो उसमें से 100 करोड़ श्लोक निकले। तीनों लोगों के प्रतिनिधि अपना अपना भाग लेने के लिए आ गए हैं। तीनों को भगवान शिव ने 33-33 करोड़ श्लोक बांट दिए, 1 करोड़ बाकी बचा, 33-33 लाख और बांट दिए, 1 लाख बचा, 33-33 हजार और बांट दिए, 1,000 बचा, 333-33 और बांट दिए, 1 श्लोक बचा। कहते हैं 1 श्लोक के 32 अक्षर, ऐसा वेदों के जो श्लोक होंगे मुझे पता नहीं, 32 अक्षर, उसमें से 10-10 दिनों को बांट दिए, 2 अक्षर बाकी बचे रकार और मकार। भगवान शिव ने तत्काल उन्हें पकड़ के तो अपने मुख में रख लिया, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, इनसे राम शब्द बनता है, ऐसा प्यार राम नाम से। मां पार्वती को स्कंद पुराण में उपदेश देते हैं, राम नाम की महिमा समझाते हैं। मां पार्वती को देवेश्वरी के नाम से पुकारते हैं, अरे देवेश्वरी तो सब कुछ छोड़ राम नाम जपा कर, महामंत्र है ये, तारक मंत्र है ये, भारत मंत्र है, राम राम जपने वाले को यम की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती, राम नाम जपने वाला पापी पात किए नहीं रहता, पुण्य आत्मा बन जाता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दाता बन जाता है वह, देने योग्य बन जाता है। पार्वती सर्व संकट हरी है राम नाम, पाप पुंज हरी है राम नाम, इसका जाप किया कर। ये तो विष्णु नाम सहस्र नाम पढ़ती फिरती है, छोड़ इसको, एक बार अपने मुख से राम बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। जिस दिन से साधकजनों मां पार्वती को ऐसा विश्वास हो गया
उसी दिन भगवान शिव ने उन्हें अपने शरीर में धारण कर लिया। भगवान शिव का एक स्वरूप है अर्ध नारीश्वर, आधी नारी आधा पुरुष। उसी दिन से हुआ तू अब मेरे अभिन्न अंग बन गई है। महान उपासक साधकों हर वक्त समाधिष्ट रहते हैं, अर्धमीलित आंखें। आंखें बंद करने से नींद आ जाती है। भगवान शिव स्वयं भी जागते हैं और औरों को भी जगाते हैं। सो स्वयं सो गए तो औरों को कौन जगाएगा। इस भाव से राम नाम के महान उपासक भगवान शिव अपनी आंखों को ऐसे रखते हैं ताकि मुझे नींद ना कहीं झपकी ना आ जाए, संसार उथल पुथल हो जाएगा। हमेशा जागते रहने वाले समाधिष्ठ भगवान शिव, प्रभु आज के दिन किसी भी ऐसीयत से समझिएगा, हम सभी आप जैसे बनना चाहते हैं। कृपा करो, आज बहुत बड़ा दिन है, हम बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े। अपने जैसा हमें बना लो, अपने जैसा उपासक, अपने जैसा राम नाम का उपासक बना लो हमें भगवान शिव। आज यही हम सब आपके भक्त, राम नाम के भक्त, राम जी के भक्त आपसे वरदान मांगते हैं। हे दयालु कृपालु, हम पर दया करो, दया करो। आज हमें वरदान जरूर देना जो हमने आपसे अर्ज किया है। पुनः साधक जनों आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।